छपरा के जलालपुर हाई स्कूल में छात्र आदित्य की हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की राशि की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपितों की संपत्ति कुर्क करके ये मुआवजा दी जाए। वहीं उन्होंने इस मामले पर सारण एसपी से बात कर पीड़ित पक्ष के लोगों के फंसाए जाने की बात की और जल्द से जल्द कार्रवाई कर उस कार्रवाई से अवगत कराने को बात कही। उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बड़े भाई छोटे भाई बिहार को अराजकता की ओर भेज दिए, गुंडों के हवाले कर दिए, गुंडा राज नहीं चलने देंगे। जब से भ्रष्टाचारियों अपराधियों के जमात को सरकार में जगह मिली है तब से ऐसी अराजकता की बढ़ी है। ऐसी व्यवस्था को बंद करनी होगी, नहीं तो आंदोलन होगा। और ये अब विद्यालय तक पहुंच गया है और ये कहीं ना कहीं पूरा प्लांट वे में भय पैदा करने का, एक दहशत पैदा करने का, बच्चों का उपयोग किया गया है। इसके पीछे बड़ी साजिश भी है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि बच्चों के द्वारा पिस्टल से केक कटवाना, तलवार से केक कटवाना, वीडियो वायरल करना, खेला होगा, जेल होगा, बेल होगा, ये सब, और इस पर प्रशासन का संज्ञान नहीं लेना, ये दुर्घट दुखद ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे निकम्बे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को हटाना चाहिए थाना से, और निर्दोष लोगों पर इसको मस्जिद में आग लगाने का बहाना बना करके कुछ लोगों का नाम डालना, मतलब जो पीड़ित परिवार है इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको दहशत में लाकर इस मामला को रफा दरफा करना, ये गंभीर विषय है। और अगर जो इन लोगों के नाम नहीं हटाया गया और पूरी मामला को यहाँ से लेकर चेन्नई तक से जो आया है मैसेज, खेला होगा, जेल होगा, वेल होगा, ये सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी संपत्ति को जब्त कर उससे इनकी भरपाई, क्योंकि इनके बच्चे की जिंदगी को, इनके 1 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति से जब्त कर मुआवजा मिले और इस तरह के खेला बंद करें। हमने पहले भी कहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई आप बिहार को अराजकता की स्थिति में भेज दिए, गुंडों के हवाले कर दिए हैं और गुंडा राज नहीं चलने देंगे। और दोनों भाई के रीजन में 33 वर्ष की सत्ता में जो इस तरह से अपराधियों की गोली से मरा है, आपको विचारना चाहिए। जब उग्रवाद और आतंकवाद में मिलता है मुआवजा, इस तरह के अपराधी की गोली से मरने वाले को मुआवजा मिले, रोजगार का अवसर भी प्रदान करे सरकार। हर दिन घटना हो रही है इस तरह से, खुलेआम पहली बार देख रहे हैं कि पिस्टल से केक काट रहा है, तलवार से केक काट रहा है। जब से अपराधी और भ्रष्टाचारियों की जमात को सरकार में जगह मिला है तब से लोग का मनोबल बढ़ गया। ये व्यवस्था को बंद करनी होगी और नहीं तो इसका भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जबरदस्त जन आंदोलन शुरू होगा। आगे की खबर देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें।